यूपी बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया। आईआईटी दिल्ली ने गैर शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई। हिमालयन यूनिवर्सिटी में सेमिनार का आयोजन। यह है इस न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें। स्वागत करता हूं आपका विद द लाइव के न्यूज बुलेटिन पर। विद द लाइव आपको शिक्षा जगत से अपडेट रखता है, बस आप विद द लाइव को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं कुमार विजेंद्र। अब खबरें विस्तार से। यूपी बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया। यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार इंटर में कुल 75.52% बच्चे पास हुए हैं। इनमें बालकों की संख्या 69.34% रही और बालिकाओं की संख्या 83% रही। इसी के साथ बोर्ड के नाम रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। पिछले काफी सालों से कभी भी रिजल्ट इतनी जल्दी जारी नहीं किए गए। विद्यार्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in से चेक कर सकते हैं। यदि किसी छात्र या छात्रा को लगता है कि उसे ज्यादा अंक मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले हैं, तो वो इसके लिए स्क्रूटनी का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए वे अपनी कॉपियों की जाँच फिर से कराएं। इस जांच के लिए उन्हें UPMSP के जरिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। याद रहे, स्क्रूटनी या समीक्षा में परीक्षा की कॉपियों में न जांचे गए प्रश्नों को जांचा जाता है और जो भी प्राप्तांक या कुल अंक होते हैं उनकी गणना की जाती है। अगर काउंटिंग में किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो उन गलतियों को ठीक किया जाता है। छात्रों को ये बात भी याद रखनी होगी कि परीक्षा में चेक किए गए प्रश्नों को दोबारा चेक नहीं किया जाता। आईआईटी दिल्ली ने गैर शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई। आईआईटी दिल्ली द्वारा विभिन्न नॉन एकेडमिक पदों पर नए सिरे से भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिसूचना के अनुसार तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, कनिष्ठ अधीक्षक आतिथ्य और चिकित्सा अधिकारी मनोचिकित्सक के कुल 66 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से चल रही है और आखिरी तारीख 24 अप्रैल थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 मई कर दिया गया है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट home.iitd.ac.in पर अप्लाई कर सकते हैं। हिमालयन यूनिवर्सिटी में सेमिनार का आयोजन। हिमालयन विश्वविद्यालय ईटानगर में बेहतर शिक्षा प्रणाली के निर्माण में पाठ्यचर्या, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की भूमिका विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में HOD सहित विभिन्न संकाय सदस्यों और छात्रों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग के HOD डॉक्टर जदव दत्ता ने थीम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संगोष्ठी को सफल बनाने में बहुमूल्य योगदान के लिए सभी प्रस्तुतकर्ताओं, संकाय सदस्यों और छात्रों को बधाई दी और छात्रों को उनके भविष्य के सफलता की कामना की। सहायक प्राध्यापक डॉक्टर हेस शेला ने धन्यवाद ज्ञापन किया। दोस्तों, यह तो थी आज के न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें और विस्तार। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल ID info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।